जबरदस्त और इतने टेस्टी शामी कबाब और सीख कबाब रेडी हैं। देखिए जी, इसको आप रायते के साथ खा सकते हैं, सैलड के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और इस रेसिपी को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलें जी, फुल वीडियो वॉच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज शाहजे किचन में बनने जा रहे हैं चिकन के शामी कबाब, जो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों से हम बनाएंगे। उसके लिए मैंने ले लिया 1/2 kg बोनलेस और ये लिए हैं मैंने स्पाइसेस, जिसमें सारे ही घर की स्पाइसेस हैं। कुछ भी बाजार का ऐसा नहीं है जो आपको बाहर से लाना पड़ेगा। जिसमें सुरख मिर्च है, हल्दी है, नमक है, पिसा हुआ गरम मसाला है, खुश्क धनिया है, चाट मसाला, ज़ीरा और दड़ा मिर्च और सब्ज मिर्चें नहीं है। मैंने तकरीबन 3 या 4 होंगी, उनको मैंने कट कर लिया है। और अदरक लहसुन देख लें, वो भी तकरीबन चिकन के हिसाब से ही। और 1 पाव के करीब मैंने प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। अब मैं इसको करूंगी चॉप। सबसे पहले मैं करूंगी प्याज, अदरक लहसुन, इन चीज़ों को चॉप। चिकन रख देंगे हम साइड पे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चॉपर मैंने ले लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बाजार से भी कीमा करवा सकते हैं और प्याज वगैरह को आप वैसे ही, यानी कि कुंडी डंडा जो होता है उसमें भी आप कूट सकते हैं और इससे भी आप बना सकते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले हम प्याज और अदरक लहसुन ये सारी चीज़ें कर लेंगे ब्लेंडर में ब्लेंड। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब इसमें मैं डालूंगी सब्ज मिर्च वगैरह। ये देखें जी, साथ ही इसके मैं डाल दूंगी सब्ज मिर्च और ये जो अदरक लहसुन है वो। ये हम पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज चॉप करने थे तो मैंने सोचा इसको भी हम साथ ही चॉप कर लेंगे। चलें जी, इसको हम करते हैं अब बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, यहाँ से होगा ये लॉक अच्छे से बंद। चलें जी, प्याज हो गए हैं अच्छे से चॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मशीन को कर देंगे अब हम एक साइड पे, चॉपर को खोल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब छन्नी में डाल के ना इसका अच्छे से पानी निकाल लेंगे ताकि शामियां टूटे ना। चलें जी, बाउल हमने ले लिया, अब हम इसमें डालेंगे प्याज छन्नी में, जिसका पानी अच्छे से हम निकाल लेंगे। आप मलमल के कपड़े से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं था तो मैं इसी छन्नी में ही अच्छे से निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से हमने इसका पानी जो है ना वो निचोड़ लेना है, थोड़ा थोड़ा करके। पहले मैं 1/2 कप निचोड़ लूँगी, देखिएगा इस तरह से, ये देखें पानी निकल रहा है अच्छे से, ये देखें सारा। इस तरह से मैं जितना भी है सारा पानी इसका निकाल लूँगी प्याज़ों का। चलें जी, प्याज मैंने अच्छे से पानी निकाल के उनको रख लिया। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे कटर वगैरह जो इसके डलते हैं वो डाल लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि आप कीमा भी ले सकते हैं, मेरे पास कीमा नहीं था तो मैंने बोनलेस ले लिया। अब इसमें मैं डाल दूंगी सारे स्पाइसेस ताकि बोटियों के साथ वो भी अच्छे से हो जाएं। बता दिया है मैंने आपको पहले से कि कौन कौन से स्पाइसेस हैं मेरे पास। चलें जी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी अब हम कर लेंगे अच्छे से चॉप। स्विच लगा लेंगे, चलें जी। चिकन हो गया है अच्छे से मैश। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ, बड़ा अच्छा कीमा बन गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी वही वाले प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि वो भी अच्छे से फिर दोबारा इसमें हो जाए मिक्स। पानी मैंने इनका अच्छे से निकाल लिया था। चलें जी, अब साथ ही ना इसमें मैं डाल दूंगी सब्ज धनिया और पुदीना, ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए सारे शामियों में। इससे बड़ी ही ज़बरदस्त शामियों की खुशबू आती है। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलें जी, अब हम इसको भी कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। चॉपर करते हैं बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, चलें जी, इसको मैंने कर लिया है अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड। अब हम जी इसको निकालेंगे बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम बनाएंगे जी इसकी शामियां। साथ साथ हम किचन को साफ करते रहेंगे। हम लेंगे एक बाउल, उसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी कर लेंगे अच्छे से साफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना अच्छे से देखें, हर चीज़ इसमें मिक्स हो गई है बड़े ही अच्छे तरीके के साथ। चलें जी, इसके चाहे आप कबाब बनाएं, चाहे शामियां बनाएं, जिस तरह मर्जी बनाएं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होंगे। मैं अभी आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। चलिए जी, देखिए इसको हम अच्छे से कर लेते हैं साफ। चलें जी, डिश हमने ले ली है। अब हम जी बनाएंगे इसकी शामियां। हाथों पे लगा लूंगी मैं अच्छे से ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कितनी ज़बरदस्त शामी बनके तैयार होगी। ये हम पैटीज यानी के ब्रेड में रख के बच्चों को सैंडविच भी बना के दे सकते हैं, बर्गर भी बना के दे सकते हैं, और जो भी आपका दिल करे वैसे भी हम इसको खा सकते हैं। और इस पे भी मैं लगा लूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक साइज़ की हम बना लेंगे सारी, चाहे आप बड़ी बनाएं छोटी बनाएं। मैं थोड़ी सी बड़ी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये स्लिंग भी हो जाती हैं, तो फिर बाद में ये छोटी छोटी सी लगती हैं। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि दाल वाली शामियां, आलू वाली शामियां, वो तो आपने हर तरह की ट्राई की हुई हैं और मेरे चैनल पे हर तरह की रेसिपी मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं। अब हम बाकी की बनाएंगे। सीख वाले लंबे वाले कबाब भी बनाऊंगी मैं, वो भी आपको दिखाऊंगी कि देखिएगा कि बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बड़े अच्छे से लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, चेक करें। बिस्मिल्लाह जी, अब इसके ना हम लंबे कबाब भी इस तरह बनाएंगे। देखें, बहुत ही अच्छे से बनेंगे वो भी, ये देखें। फिर हम इनको करेंगे फ्राई, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। और साथ हम इसके बनाएंगे गोला कबाब भी, यानी कि एक ही चीज से ना आप काफी चीजें बना सकती हैं। ये देखें, ये बन गए हैं जी गोला कबाब, देखें। चलें जी, पैन मैंने रख लिया ऊपर,
अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। अब आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि कितनी जबरदस्त सी शामियां बनती हैं। ऑयल मैंने डाली है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो चलें जी ऑयल हो गया है गरम, अब हम करते हैं फ्राई। सबसे पहले मैं डालूंगी कबाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साथ ही मैं डाल दूंगी गोला कबाब और साथ ही मैं डाल दूंगी दूसरी वाली शामियां, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छे से डाल दूंगी सारी, इस तरह से हम करेंगे फ्राई। आपकी मर्जी, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। पहले मैं इसको टर्न कर लूं, फिर उसके बाद मैं और डालूंगी। ये देखें माशाल्लाह से मैंने आपको लंबे वाले कबाब भी बनाने दिखा दिए हैं, और ये गोला कबाब भी, और ये गोल वाली शामी भी। देखें माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं टूटे और बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं, चेक कर लें। और बहुत ही कम चिकन से आप ढेर सारी शामियां, कबाब और गोला कबाब बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ वो अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। इससे ये होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है या नहीं। ये हमारी मेहनत होती है और आपकी तरफ से वो प्यार होता है जो आप हमें कमेंट्स में देते हैं। तो चलें जी, ये देखें अब हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसको सर्व करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको किस तरह सर्व कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, मैंने बहुत कम इसीलिए किए हैं क्योंकि अभी किसी के खाने का टाइम भी नहीं है, जस्ट मैंने वीडियो के लिए ही फ्राई किए हैं। तो वो मैं फिर आपको दिखाऊंगी जब मैं इसको किस इस्तेमाल में और लाती हूँ। चलो जी, देखें माशाल्लाह से शामियां हो गई हैं रेडी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बिल्कुल भी नहीं टूटी और बहुत ही ज़बरदस्त, ये चेक करें, गोला कबाब भी रेडी है। और अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इसको आप रायते के साथ भी खा सकते हैं और सैलड के साथ भी।